नमस्कार दोस्तों, स्टार 7 टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है यूपी से सोनभद्र की। जनपद सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में मुर्दवा हाईटेक रेलवे क्रॉसिंग के पास बीती रात 9:30 बजे सलीम अंसारी के झोपड़ी में उस वक्त आग लग गई, जब वह घर में अकेले होने के कारण खुद खाना बना रहे थे। तभी अचानक गैस की पाइप चूल्हे से अलग हो जाने से सिलेंडर में आग लग गई। आग की फोर्स इतनी तेज थी, पास में रहे सामानों में आग लगते हुए तुरंत झोपड़ी की छत तक पहुंच गई और झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। तभी आसपास में अफरा तफरी का माहौल मच गया। यह देखते हुए वहीं पास में रह रहे हमारे स्टार 7 टीवी न्यूज के रिपोर्टर शिव नरेश सहित पड़ोसियों ने तुरंत अपने घरों से पानी लेकर पहुंचे और आग को काबू में करने की कोशिश करने लगे, पर सिलेंडर में आग लगे होने के कारण पानी का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वहीं पड़ोस में रह रहे आशीष कुमार मिश्रा ने अपनी जान पर खेलते हुए सूझबूझ के साथ सिलेंडर पर गीला चादर डालते हुए सिलेंडर को बाहर निकाला। तब जाकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने में रोहित मिश्रा, छोटू, अमरेश मार्कंडे, इन सब का भी बड़ा योगदान रहा। अगर यह नहीं होते तो पड़ोस की ओर भी कई झोपड़ियां आग की चपेट में आ सकती थी। झोपड़ी के अंदर रखे सारे सामान जलकर राख हो चुके हैं। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान की हताहत नहीं हुई। वहीं पीड़ित सलीम का कहना है कि जहां लॉकडाउन में काम बंद है, खाने को लाले पड़े हैं, वहीं इस तरह का मुसीबत आन पड़ी है। अगर कोई प्रशासन या समाज सेवी मदद करना चाहे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। रेणुकूट सोनभद्र से शिव नरेश की खास रिपोर्ट। ये जो आज आपके यहाँ आग लगी है जी, ये कैसे लगी? आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद सलीम अंसारी। ये कैसे आग लगी, क्या कर रहे थे आप? खाना बना रहे थे। हाँ, खाना बनाते वक्त तो अचानक सिलेंडर से, छोटा वाला 5 लीटर का था सिलेंडर, वो अचानक पाइप निकल गया। पाइप निकला, जैसे निकला पाइप तहां पकड़ लिया धाए से आग। तो आपके यहाँ क्या क्या जल के राख हुआ, कितने का नुकसान? देख ही रहे हैं सर, देख रहे हैं कि क्या क्या जला हुआ है, देख लीजिए अपने आंखों से। इस लॉकडाउन में हम मुसीबत में फंस गए। हम न कहीं जाना है न आना है, ड्यूटी भी नहीं है। आप इसी रूम में रहते हैं? हाँ, इसी रूम में रहते हैं। और इसी में सारी गृहस्थी आपकी थी? हाँ, इसी में है। पूरा देख तो है ही रहे, पूरा जल के राख हो गया। हाँ, तो दिख रहा है। तो आप कुछ प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारी मदद की जाए? हाँ सर, बिल्कुल मांग करेंगे। अगर इस लॉकडाउन में कुछ भी मिल जाए तो अच्छे ही है, ताकि हम फिर से दोबारा इसको बना सकें।